हर दिन शाम को टीवी पर होने वाली बहसें अब विवाद का विषय बनती जा रही हैं। विवाद का सबब इसलिए भी बन रही हैं क्योंकि टीवी पर हिंदू मुस्लिम नोकझोंक के अलावा कोई स्वास्थ्य बहस नहीं हो रही है। टीवी की बहस का केंद्र मुसलमान ही रहे हैं। पिछले 3 सप्ताह में होने वाली टीवी डिबेट में अधिकतर चर्चा रोहिंग्या मुसलमानों पर हुई है। टीवी पर होने वाली इन बहसों का कोई नतीजा तो आज तक नहीं निकला है, लेकिन सांप्रदायिकता बढ़ाने में इन बहसों ने खासी भूमिका निभाई है। इसी से नाराज आचार्य प्रमोद कृष्णम का गुस्सा टीवी बहसों पर फूट पड़ा है। आचार्य प्रमोद ने ट्वीट करके अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि टीवी की बहस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गद्दार साबित करने के लिए की जा रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि मुसलमानों को गद्दार साबित करने के लिए रोज शाम को टीवी चैनल पर बहस कराई जाती है। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि सरकार में रहते हुए सरकार को ठोकना कोई शिवसेना और ठाकरे से सीखे। आचार्य प्रमोद ने साल भर पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि इस देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है और ये साजिश पार्टी विशेष के नेताओं द्वारा की जा रही है। हालातों से घबराने की जरूरत नहीं है। इस देश के बड़े बड़े बवंडर देखे हैं और जब बवंडर आता है तो कोई लफंडर बादशाह बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़।